आईपीएल 2022 का 57वां मैच गुजरात और लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेला गया। इस मुकाबले को अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर गुजरात की टीम ने 62 रन के अंतर से जीत लिया। हालांकि इस मैच में लखनऊ की पारी के 7वें ओवर में कमेंट्री के दौरान आकाश चोपड़ा कुछ ऐसा बोल गए जो केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लखनऊ की टीम ने आज रवि बिश्नोई की जगह करण शर्मा को मौका दिया। जब वह 4 रन पर आउट होकर गए तो उसके अगले ओवर में कमेंट्री के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा कि इस मैच में सब कुछ हो रहा है। इस मैच में राहुल भी है, हार्दिक भी है और करण भी है। दरअसल आकाश चोपड़ा ने राहुल और हार्दिक पर तंज कसा क्योंकि वह साल 2019 में करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में गए थे और वहां उन्होंने महिलाओं पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते बीसीसीआई ने उस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज से भी उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों ने ही माफ़ी मांगी और 20 लाख का जुर्माना भरा था, जिसके बाद इनका बैन समाप्त हुआ था। हालांकि आज एक बार फिर आकाश चोपड़ा ने इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के जख्मों को कुरेद दिया है और यह बात इन दोनों ही खिलाड़ियों के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।